Good morning students, once again a warm welcome to all of you in the next part of the video lecture, right? So पिछले दो videos में हम लोगों ने कुछ topics के बारे में discussion किया था, जो कि हमने chemical reactions and equations ये chapter में discussion हुआ था, right? जैसा हम लोगों ने discussion किया हुआ है chemical reactions के बारे में, exactly chemical reactions क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने discussion किया था chemical equations क्या होते हैं और chemical equations को लिखने के तरीके कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने discussion किया था, right? जैसा हम लोगों ने word equation देखा, हमने chemical equations को लिखने के तरीके देखे, right? symbolic forms में हम लोग लिखा था, फिर उसके बाद second video lecture में हम लोगों ने discussion किया था how to write the chemical reactions और I hope आप लोगों ने उस चीज के बारे में discussion किया होगा, आप लोगों ने detail में study किया होगा and of course मैंने आपको कुछ homework दिया था, assignment दिया था, I hope आप लोगों को उसके answers भी मिले होंगे। So, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपका केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज है, दैट इज हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शंस, राइट? तो जब आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को या फिर केमिकल रिएक्शंस को जब आप बैलेंस कैसे करते हो, उस चीज के बारे में आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम आपके 11th और 12th का सबसे बेसिक चीज है आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। अगर आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई, कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है, अगर ये आपको डिटेल में समझ में आ गया, तो आपका 11th और 12th का केमिस्ट्री 50% आपने क्लियर करवा लिया, राइट? तो आज के लेक्चर में आप इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, दैट हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, राइट? या फिर केमिकल इक्वेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता स्टूडेंट्स, सर हमें बैलेंसिंग करना क्यों ना? ये दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं, सर व्हाई टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, एंड सेकंड क्वेश्चन आता है सर हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हर एक क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इस एंटायर टॉपिक को डिस्कस करने के बाद मैं कुछ इक्वेशंस आपको देने वाला हूं, वो इक्वेशंस आपने आज असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, राइट? तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर व्हाई टू बैलेंस द एनी केमिकल इक्वेशन। अब आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को अब बैलेंस क्यों करते हो? सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखना, आपने एक लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है, व्हिच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इज़न्ट इट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आपने स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताया हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor it can be destroyed during chemical reaction। तो जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो स्टूडेंट्स, एक बात यहां पे याद रखना, जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हो तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते हो, नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बराबर? इसका मतलब क्या होता है, बिफोर द रिएक्शन आपका जितना मास होता है हर एक एलिमेंट का, उतना ही मास आपका आफ्टर द रिएक्शन भी होना चाहिए। सपोज मान के चलते हैं ये हमारा बनेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा बनेगा राइट हैंड साइड। फटाफट से थोड़ा स्टूडेंट्स रिकॉल करो, लेफ्ट हैंड साइड में कौन प्रेजेंट होते हैं? रिएक्टेंट्स। राइट हैंड साइड में कौन प्रेजेंट होते हैं? प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट साइड में भी आपको मिलना चाहिए। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्राइंग टू से। तो यहां पे स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। अब इस चीज को फॉलो करने के लिए या फिर इस चीज को, इस लॉ को ओबे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? तो हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। विदाउट दिस, अगर आपका कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस कंडीशन में होता है, मार्क माय वर्ड्स, ब्रांच 26, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस कंडीशन में होता है स्टूडेंट्स, मैंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? अनबैलेंस। तो अनबैलेंस कंडीशन में होता है मतलब वो कौन सा लॉ ओबे नहीं करता? सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं करेगा। एग्जैक्टली अब बात समझ पा रही है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास मिल गया, व्हाई टू बैलेंस, जस्ट टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सेकेंड चीज यहां पे आपके सेकेंड क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर रहा हूं, हाउ टू बैलेंस, राइट? अब इस चीज को बैलेंस कैसे करोगे? तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने साथ ही साथ में कहीं का, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो साथ ही साथ एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बिकॉज यहां पे थोड़ा सा
डिटेल में जाने वाला हो तो असाइनमेंट से इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो राइट। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका आ रहा है हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ एक फंडा याद रखना ठीक। एग्जाम्पल से फंडा याद रखो हमेशा याद रखना लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड करेक्ट है। जितने एलिमेंट्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे उतने ही आपके एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होंगे। जब आपका ये कंडीशन फुलफिल होता है लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन होता है स्टूडेंट्स एलिमेंट्स होते हैं। राइट हैंड साइड में कौन होते हैं स्टूडेंट्स वापस एलिमेंट्स होते हैं करेक्ट है। तो जितने एलिमेंट्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही एलिमेंट्स आपके राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। जब आपका ये कंडीशन फुलफिल होता है तब आप उसको बोल सकते हो द रिएक्शन इज बैलेंस। और else अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होता इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू RHS दैट मींस द रिएक्शन इज इन द अनबैलेंस्ड कंडीशन। तो अगर कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड वाले कंडीशन में है तो उसे हम लोग क्या करेंगे उसे हम लोग बैलेंस वाले कंडीशन में कंप्लीट करेंगे ठीक है। तो बस ये वाली चीज याद रखो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ठीक है। तो मैंने दो चीजों के बारे में क्लियर करा दिया व्हाई टू बैलेंस एंड हाउ टू बैलेंस। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स ध्यान रखना यहाँ पे हमने इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले चीज कोई भी इक्वेशन देखने के बाद आप आइडेंटिफाई करो वेदर द गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड राइट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो रिएक्शन बैलेंस्ड वाले फॉर्म में है या अनबैलेंस्ड वाले फॉर्म में है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट वन स्टेप नंबर वन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट द सेम रिएक्शन अगेन ठीक है। तो पहले वाले स्टेप में आ जाएगा रीराइट द गिवन इक्वेशन ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपके आंसर शीट पे आंसर्स कैसे होंगे उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं। ये क्वेश्चन तो आपको पेपर में दिया जाएगा आपने आंसर शीट में कैसा लिखना है तो स्टेप नंबर वन से शुरुआत करोगे रीराइट द गिवन इक्वेशन पूरी इक्वेशन को सेम कॉपी कर लो। सो वी हैव SO2 स्टूडेंट्स SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड नाम लिखने की जरूरत नहीं है बस मैं आपको बता रहा हूं सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सेकेंड मेरे पास क्या दिया हुआ है H2S स्टूडेंट्स H2S का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड आई रिपीट हाइड्रोजन सल्फाइड। रिएक्शन करने के बाद क्या मिला मेरे पास सल्फर प्लस वॉटर दैट इज H2O। तो मैंने पूरा रिएक्शन सेम आंसर कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना है यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल। अब इस टेबल में आपको तीन कॉलम्स निकालना है। सबसे पहले कॉलम में फर्स्ट वाले कॉलम में आएंगे आपके एलिमेंट्स जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स आपको लिखना है। सेकेंड वाले रो में आपके आ जाएंगे दैट इज एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड थर्ड वाले कॉलम में आ जाएंगे आपके एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड क्लियर। तो ये टेबल आपको प्लॉट करना है और इस टेबल में आपको तीन कॉलम्स ड्रॉ करना है। फर्स्ट फटाफट से एलिमेंट्स सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड थर्ड राइट हैंड साइड। चलो अब इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास कितने अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो वो सारे एलिमेंट्स के नाम लिख देते हैं ठीक है। चलो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स सल्फर सल्फर का सिंबल S राइट। सेकेंड मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंबल O। मैंने बोला हुआ है सिर्फ एलिमेंट के नाम लिखो अब वो कितनी बार है वो यहाँ पे लिखना नहीं है राइट। चलो तीसरा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंबल वेरी गुड H राइट। अब मुझे बताना सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एलिमेंट कितनी बार है और उसके बाद हम लोग जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ ठीक है। चलो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स कहां पे देखो मैंने यहां पे डॉटेड लाइंस में मैंने यहां पे बॉक्स निकाल के रखा हुआ है सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड राइट। चलो चेक करेंगे सबसे पहले सल्फर हमारे पास टोटल लेफ्ट हैंड साइड में कितनी बार है तो सर मेरे पास यहां पे एक बार दिख रहा है सर मेरे पास एक और यहां पे दिख रहा है 1+1 2
सो लेफ्ट हैंड साइड में दो बार है। चलो अब बारी आती है ऑक्सीजन की, चलो चेक करो ऑक्सीजन सर कितनी बार दिया हुआ है, दो बार दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा टू, करेक्ट है। अब उसके बाद नेक्स्ट वन चेक करना स्टूडेंट्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितनी बार दिया हुआ है, दो बार दिया हुआ है तो यहाँ पे आ गया दो। अब ये कहानी हो गई आपके लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम लोग जाएंगे राइट हैंड साइड पे। अब देखो राइट हैंड साइड पे कैसे होगा, तो यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइंस में वापस एक और बॉक्स निकाला हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका राइट हैंड साइड। चलो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले किसको देखना है, सल्फर दिख रहा है कहीं पे, यस सर सल्फर देखो यहाँ पे एक बार दिया हुआ है और तो कहीं पे है नहीं तो एक बार आ गया, ठीक है। यही से मुझे पता चल रहा है देखो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। चलो सेकंड वाले में आ जाओ, ऑक्सीजन सर कितनी बार दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन वन। लास्ट वन चेक करना स्टूडेंट्स हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी बार है, दो बार है तो यहाँ पे भी आ जाएगा दो बार। स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, टेबल प्लॉट करने के बाद अब आपको मैच करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों साइड के नंबर्स अगर सेम होते हैं तो आपसे क्या कहोगे, द रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं। बट मुझे चेक करना लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर कितनी बार है, दो बार दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में सल्फर कितनी बार दिया हुआ है, एक बार, मतलब आपका नंबर सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब सिर्फ एक होने से, सिर्फ एक आपका एलिमेंट मैच करने से मतलब नहीं, तो सारे एलिमेंट्स आपके मैच होने चाहिए, ठीक है, तो ही आप इसको बोलोगे बैलेंस। बट फिलहाल ये कैसा है, अनबैलेंस कंडीशन में। तो यहां पे आपका आंसर आएगा द रिएक्शन इज अनबैलेंस, द रिएक्शन इज अनबैलेंस। तो पहली ये चीज वहां पर लिख लो, रिएक्शन कैसी होती है, रिएक्शन यहां पे आपकी अनबैलेंस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करने की प्रोसेसिंग चालू करनी है, ठीक है। तो पहला स्टेप सारे बच्चों को समझ में आ गया, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले स्टेप पे, स्टेप नंबर टू। अब यहां पे हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट्स को बैलेंस करके जाना है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीडियो लंबा जाने वाला है बट मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं हर एक चीजें सॉल्व कैसे करनी है, राइट। तो चलो स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो गया, अब स्टेप नंबर टू में क्या करना है, अब यहां से हमें हर एक एलिमेंट्स को बैलेंस करते जाना है, राइट। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन को। तो बैलेंस किसको करना है स्टूडेंट्स, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। सर यहां पे ऑक्सीजन हमारे पास कितनी बार दिया हुआ है, दो बार दिया हुआ है। सर हमारे पास यहां पे ऑक्सीजन कितनी बार दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है, तो हम बैलेंस किसको करेंगे, ऑक्सीजन। तो जिसको बैलेंस कर रहे हो सबसे पहले आप लिख लो बैलेंसिंग द ऑक्सीजन, किसको बैलेंस कर रहे हो, बैलेंसिंग द ऑक्सीजन, राइट। तो ऊपर हेडिंग में डाल दो जिसको बैलेंस कर रहे हो, ऊपर डाल देने का बैलेंसिंग द ऑक्सीजन, ठीक है। चलो पूरा रिएक्शन सेम वापस कॉपी करना है, पूरा रिएक्शन सेम, थोड़ा सा आपको बोरिंग जरूर लगेगा बिकॉज बार बार वही चीज आपको रिपीट करनी है, बट पूरे मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो चीजें बार बार रिपीट करो, ठीक है। चलो वापस एक बार रिएक्शन, सबसे पहले SO2 प्लस H2S रिएक्शन करने के बाद सल्फर प्लस H2O रिएक्शन वापस कॉपी हो गया। अब आपको क्या करना है, वापस एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें फटाफट से जब मैं टेबल बोलू तीन उंगली आपके पास ओपन, बोलो पहले वाले कॉलम में क्या आएगा एलिमेंट्स, दूसरे वाले कॉलम में क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तीसरे वाले कॉलम में क्या आएगा राइट हैंड साइड, क्लियर। जैसे मैं आपको टेबल बोल रहा हूं फटाफट से तीन कॉलम्स ड्रॉ कर लो। अब मुझे बताओ यहां पे बैलेंस किसको कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहां पे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, जिसको बैलेंस कर रहे हो उस एलिमेंट का नाम यहां पे लिख लो, ठीक है। चलो अब मुझे बताना ऑक्सीजन कितनी बार दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में दो बार दिया हुआ है तो सर हमने यहां पे लिख दिया टू, क्लियर। अब वही ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में कितनी बार दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक बार दिया हुआ है तो यहां पे आ जाएगा वन। अब मुझे बताओ यहां पे बैलेंस कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो एलिमेंट्स है whereas राइट हैंड साइड में हमारे पास एक एलिमेंट है, तो इसको बैलेंस कैसे करना है, ध्यान से समझना। मेरे पास यहां पे दिया हुआ है टू, यहां पे दिया हुआ है वन, इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका वैल्यू ये नंबर के बराबर आना चाहिए, मतलब इस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका जो आंसर आएगा वो इस नंबर के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं
बराबर, तो 2 into 1 2 और यहां पे भी कितना आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है, करेक्ट है। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होना चाहिए, क्लियर। तो स्टूडेंट्स मुझे बताना मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया हुआ है, स्टूडेंट्स फटाफट 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। मैंने किसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऑक्सीजन को, मैंने कहां पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। चलो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कहां पे, यहां पे है, क्लियर। अब मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे चलेगा, सो आंसर इज रॉन्ग। आपको हमेशा याद रखना है जब आप नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो वो कंपाउंड के आगे की तरफ मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन नीचे करना नहीं है, हमेशा आपका जो मल्टीप्लाई वाला जो नंबर रहेगा वो कंपाउंड के आगे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, ऑक्सीजन कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन की कहानी खत्म। लेकिन उसको बैलेंस करने के चक्कर में आप जरा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कौन यहां पे बिगड़ गया, हाइड्रोजन अपना बिगड़ गया, ठीक है। चेक करना हाइड्रोजन 2 into 2 4, यहां पे कितना दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, मतलब ये आपका अनबैलेंस हो गया। तो स्टेप नंबर 3, आप एक एक चीज को पकड़ते हुए चल, जिसको बैलेंस किया उसके चक्कर में कौन अनबैलेंस हुआ उसको पकड़, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बैलेंसिंग द, बैलेंसिंग द हाइड्रोजन, तो नेक्स्ट वाले चीज में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। चलो दोबारा आपका पूरा रिएक्शन सीन ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक ही बार लिखने से होने वाला है नहीं। तो यहां पे SO2 प्लस H2S गेट्स S प्लस 2H2, क्लियर। तो रिएक्शन पूरा सेम कॉपी कर लिया, वापस टेबल निकालना है, टेबल में कितने कॉलम, 3 कॉलम, वेरी गुड। सो यहां पे आ गया एलिमेंट, सेकंड वाले कॉलम में आ गया लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड वाले कॉलम में आ गया राइट हैंड साइड। अब बताना स्टूडेंट्स हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन का सिंबल H। अब जरा चेक करना लेफ्ट हैंड साइड कहां पे है, यहां पे। हाइड्रोजन कितनी बार दिया हुआ है, सर 2 बार दिया हुआ है। अब कहां पे चेक करेंगे, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 2 into 2 4, मल्टीप्लाई करना है प्लस मत करना, ठीक है, 2 into 2 4, तो यहां पे आ जाएगा 4, क्लियर। चलो फटाफट से आप लोग कैलकुलेट करो, चेक करना हाइड्रोजन यहां पे 2 बार, यहां पे 4 बार, किसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका वैल्यू 4 के बराबर होना चाहिए। तो मुझे बताओ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड, इनटू 2, क्लियर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप जरा ध्यान से देखो ये 2 मैंने कहां पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला है, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, कहां पे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी आगे, तो कंपाउंड के आगे की तरफ आपको मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, समझ में आ गया। वापस एक बार चेक कर लो, हाइड्रोजन 2 into 2 4, हाइड्रोजन 2 into 2 4, अब मेरे 2 एलिमेंट्स तो बैलेंस हो गए, लास्ट वन एक और एलिमेंट आपका बाकी बचा हुआ है, कौन सा, दैट इज सल्फर। तो लास्ट में हम लोग यहां पे बैलेंस करेंगे सल्फर एस एलिमेंट को, ठीक है। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको फिर बाद में ढूंढना ना पड़े, ठीक है। यहां तक आपके सारी चीजें, यहां तक आपके 2 एलिमेंट्स आपके ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं, सिर्फ आपका एक एलिमेंट बाकी बचा हुआ है सल्फर, और लास्ट में आपको वापस एक बार चेक करना होता है, वापस एक बार टेबल आपको निकालना होगा जिसमें आपको फिर चेक करना होगा रिएक्शन बैलेंस हुआ या अनबैलेंस हुआ, ठीक है, कर लिया। अब इसके बाद लास्ट वाला स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, तो हमें बैलेंस किसको करना है स्टूडेंट्स, सॉरी स्टेप नंबर 4, 3 तो हम लोगों के हो गए, स्टेप नंबर 4 हो गया, ठीक है, स्टेप नंबर 4, ओके। सो स्टेप नंबर 4 में बैलेंसिंग, फटाफट कौन बाकी बचा हुआ है, बैलेंसिंग द सल्फर, ठीक, तो सल्फर को बैलेंस कर रहा है, चलो वापस से पूरा इक्वेशन सेम कॉपी कर लो, SO2 प्लस H2S रिएक्शन करने के बाद, सॉरी ये वाला रिएक्शन कॉपी करना है, तो यहां पे 2H2S है, रिएक्शन करने के बाद सल्फर प्लस 2H2, वापस आपको टेबल बनाना है, टेबल में कितने कॉलम्स आएंगे, फटाफट से 3 कॉलम्स, रेडी हो जाओ। तो यहां पे आ गया एलिमेंट, यहां पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और लास्ट में आ गया राइट हैंड साइड।
चलो फटाफट से किसको बैलेंस करना है, सल्फर। तो यहां भी आ गया सल्फर, जरा चेक करना लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड कहां पे हो गया, ये तरफ हो गया। सल्फर कितनी बार है चेक करो, सल्फर यहां पे दो बार है, यहां पे एक बार है, टोटल कितना हो गया 2+1 3। आप जरा चेक करना राइट हैंड साइड में, सल्फर कितनी बार दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा 1। क्लियर? चलो अब मुझे बताओ दोनों में से छोटा नंबर 1 कितने से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड, इनटू 3। क्लियर? अब ये छोटा नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है कौन से साइड में मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड यहां पे दिख रहा है सल्फर, कहां पे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे कि आगे, तो सर यहां पे हमने आगे की तरफ मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखना नीचे कभी भी मल्टीप्लाई करना नहीं है। क्लियर? तो ये बन गया आपका बैलेंस इक्वेशन। बट अगर आप आंसर यहां तक छोड़ के आते हो तो शायद आपके पूरे इसमें से हाफ मार्क्स आते जाएंगे। तो लास्ट में आपको क्या करना होता है, स्टेप नंबर 5 में आपको वापस एक टेबल ड्रॉ करना होता है और उस टेबल में आपको बताना है कि आपका रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो वापस एक टेबल निकाल लो, सो यहां पे आ जाएगा एलिमेंट, यहां पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे आ जाएगा राइट हैंड साइड। क्लियर? चलो फटाफट से कितने एलिमेंट से, 3। सबसे पहला सल्फर, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, करेक्ट है, 3 एलिमेंट्स हो गए। अब ये जो एलिमेंट्स है ना इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में चेक करनी है। चलो लेफ्ट हैंड साइड वाले पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, सल्फर कितनी बार है, 2 बार, और यहां पे 1 बार, सो 2+1 3। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 × 2 4, तो यहां पे आ गया हाइड्रोजन 4 बार। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ऑक्सीजन, कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा 2। अब वापस चेक करो राइट हैंड साइड में, चलो फटाफट से ये वाला राइट आ गया, बोलो सल्फर कितनी बार दिया हुआ है, 3 बार, फिर उसके बाद हाइड्रोजन 2 × 2 4, तो 4 बार, लास्ट वन ऑक्सीजन कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है। अब जरा चेक करो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर हो रही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और जब आपका ये कंडीशन फुलफिल होता है मतलब द रिएक्शन इज बैलेंस। तो लास्ट में क्या करोगे, मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं, लास्ट में आपने क्या करना है, the above given reaction is balanced, यहां पे आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। थोड़ा सा आपको शुरुआत में डिफिकल्ट जरूर लगेगा बिकॉज आप पहली बार कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर रहे हो। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स, 2 से 3 एग्जांपल जब आप खुद से करोगे तो आपको रिएक्शन एकदम आराम से रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको आ जाएंगे। क्लियर? चलो फटाफट इसके ऊपर एक बार ध्यान से देख लो, मैं कुछ क्वेश्चन आपको वहां पर दे रहा हूं, तो क्वेश्चन आप अपने सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो इक्वेशंस आपको दिए हुए, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो दो इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स आप लोगों ने बैलेंस करना है। बिल्कुल घाई मत करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ Ag का मतलब होता है सिल्वर, स्टूडेंट जिनको पता नहीं है Ag का मतलब होता है सिल्वर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है HCl, रिएक्शन करने के बाद मेरे पास बनेगा AgCl और +H2O। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डाउट करेंगे, सर इस वाले सिंबल का मतलब क्या है और ये वाले सिंबल का मतलब क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं ये दोनों सिंबल्स होते हैं, ये वाला सिंबल जो होता है इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, और हाइड्रोजन यहां पे जो बाजू में सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब होता है, ये सिंबल का मतलब होता है गैशियस स्टेट, ठीक है। ये सिंबल हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपका कोई भी सब्सटेंस
पानी में इनसोल्यूबल होता है। क्लियर? ये वाला चीज हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपका कोई भी कंपाउंड पानी के अंदर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है? तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो डाउनवर्ड एरो दिखा के आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेरस ये वाला चीज जो होगा ना, ये हम लोग सिंबॉल कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपका कोई भी चीज आपका गैशियस वाले फॉर्म में प्रेजेंट होगा तब, ठीक है? तो ये बन जाएगा गैशियस और ये वाला बन जाएगा प्रेसिपिटेट। तो इसको कुछ करना नहीं है, मेरा बस आपको रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, बैलेंस बस इसको कर, सिंबल को कुछ मत कर, ठीक है? सिमिलरली सेकंड वाला मैंने आपको दिया हुआ है NaOH plus H2SO4, रिएक्शन करने के बाद ये बन जाएगा Na2SO4 plus H2, ठीक है? स्टूडेंट इसको ध्यान से समझ के सॉल्व करो, कहीं पे अगर आपको डाउट आ रहा है आप इसको एक बार पूछ लो। मैं वैसे भी कल इस क्वेश्चन का मैं बैलेंस करके देने वाला हूं, कल का वीडियो जो रहेगा वो इसके बैलेंसिंग के ऊपर रहेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो कहीं पे नोट डाउन करके रखो, बिकॉज कल के लेक्चर में ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।